निशिता जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं हामिद मीर को उस वक्त से जानता हूं जब वो लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, वो 6000 रुपया सैलरी ले रहे थे औसाफ अखबार में, और मैं सैलरी लेता था 1500 रुपया। मैं उनके अंडर काम भी कर चुका हूं। मैं उनके करतूत जो है वो बाद में आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन दो बातें, सिर्फ दो बातें। लड़की को छेड़ा तूर ने, उसके भाइयों ने आके उसकी लगाई तौनी, उसके जवाब में इन्होंने, हामिद मीर ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर गलीज तरीन इल्जाम लगाए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारों पर गलीज तरीन। लेकिन उससे के बावजूद उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ शकीलुर रहमान ने साफ कहा कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, हमारा कारोबार है, पेशा नहीं है, पेशा मुकद्दस होता है, कारोबार में सब चल जाता है, तो हम अपने कारोबार में घाटे का सौदा कभी नहीं करेंगे। तनख्वाह इनकी कम हुई, इनको छोड़ना पड़ गया उधर से। अब दोबारा लॉन्च किया इनको आसफ अली जरदारी ने, तो आसफ अली जरदारी को भी ये मत भूलना चाहिए कि जब 50 करोड़ फर्ज करो वो दे रहे हैं इनको पर मंथ, तो 75 करोड़ देने वाला आ जाएगा उनका मुखालफ, तो फिर ये आपके साथ क्या हशर करेंगे, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और एक टिप हामिद मीर के लिए भी, जो तुम्हारे पास 200-400 व्यूज आती है ना, उसमें से एक व्यू मेरा भी होता है, मैं भी तुम्हारे प्रोग्राम को बड़ी तफसील से देखता हूं। तुमने आजकल जो फसाद बर्पा किया हुआ है तहरीके अदम एतमाद को लेके, उसकी का पैतरा किस तरह से बदलोगे, पैतरे बदलने के तो वैसे वैसे तुम है वो ही मास्टर। जब ये तहरीक नाकाम होगी, हम इमरान खान जीते या हारे, हालांकि मुझे पता है, मैं बहुत पहले पेशींदगोई कर चुका हूं कि हामिद मीर इमरान खान कभी नहीं हारेगा, लेकिन हारे या जीते मरते दम तक हम उसके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।